पे द कपिल शर्मा शो का सेट है। गाइस ये देख सकते हो बिग बॉस का सेट है। गाइस कभी कभी इत्तेफाक से जो सीरियल है उसका सेट ये है, छोटी सरदारनी का जो बंगला जो शूट हो रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी और आपको दिखाने वाले हैं सेट सब, जहां आप बड़े बड़े शो होते जैसे द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस और भी टीवी सीरियल के जितने भी शो होते हैं और आप सीरियल देखते होंगे तो उसके सेट दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग बनने वाला है और हम लोग गए गोरेगांव फिल्म सिटी और व्लॉग बनाए, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाए। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना व्लॉग को और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको लास्ट में। तो गाइस देख सकते हो छोटी सरदारनी का जो बैंगलो आप लोग जो देखते होंगे ना टीवी पे, तो यहाँ कुछ इस तरह दिखता है आपको पूरा अंदर। आप अंदर का टूर देंगे आपको और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, और आपको पूरा अच्छे से बताएंगे कहाँ का रूम भी बताएंगे और स्टोर रूम में जो भी है अंदर का आपको पूरा सेटअप बताएंगे। तो छोटी सरदारनी का जो आपको बैंगलो जो सीरियल में जो दिखता है कुछ इस तरह का सेटअप सेट दिखता है यहाँ से, और आपको अंदर से भी बताएंगे। देख सकते हो यहाँ से काफ़ी शानदार दिख रहा है और कुछ सेटअप का तैयार के लिए बनाया जा भी रहा है। यहाँ से ये एंट्री गेट है बड़ा सा और यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो चलते हैं हम भी अंदर और अंदर से आपको बताएंगे। तो कुछ इस तरह तैयार हुआ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और भाई लोग स्टाफ है और यहाँ से आपको अंदर का कुछ सेटअप दिख रहा है, आपको पूरा रूम वूम सब बताएंगे। सरदारनी का जो अंदर का सेटअप है जो रूम रहता है उनका बेडरूम वो है, कुछ इस तरह का सेटअप रहता है देख सकते हैं आप। और यहाँ से आप बाजू में ही बैंगलो का शूट होता है। बच्चों के लिए कार, साइकिल और कुछ सेटअप के तैयार कुछ सेटअप के कुछ आइटम्स सब यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे मेरा ही है और छोटी सरदारनी का यहाँ भी शूट होता है। दो तीन रूम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अंधेरा है पूरा देख सकते हो। यहाँ पर छोटी सरदारनी का जो सेटअप है दूसरा सेटअप आप लोग देख सकते हो सेम बंगलो के जैसा है, आप लोग को वो बैक कैमरे से भी बताएंगे यहाँ पर, और काफ़ी शानदार दिख रहा है और सेम बंगलो जैसा ही दिखता है यहाँ से। देख सकते हो गिल मैनसन और ये भी छोटी सरदारनी का सेटअप है आप देख सकते हो यहाँ से, और कुछ बहुत ही बंगलो टाइप का ही बना हुआ है आप देख सकते हो यहाँ से, और अंदर काफ़ी शानदार बैंगलो टाइप का ही बना हुआ है। आप लोग टीवी पे अक्सर देखते होंगे छोटी सरदारनी सीरियल। ये अंदर का सीन है आप देख सकते हो, काफ़ी अंधेरा, अभी शूट इधर पे बंद है इसलिए पूरा अंधेरा है, लाइट उट बंद है, और पूरा देख सकते हो यहाँ पे वो छोटा सा जीना है और ये झूमर बैठने उठने का पूरा अंदर का सीन है। ये बाहर का सीन है जैसा सेटअप ये बम्बू के की वजह से ये सब बना हुआ रहता है और उसके अंदर ही रहता है ये, इधर पे भी कुछ सेटअप है। गाइस हम लोग अभी छोटी सरदारनी का शूट किए हैं और ये जो सेटअप है ना मुंबई के फिल्म सिटी गोरेगांव में है, और आपको और भी दो चार सेटअप सोच रहे हैं आपको बताएं किस तरह रहता है सेट। और हमने देखा है कि मतलब बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई सा भी सेट, और टीवी पे ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी धूप है, चलते तो आपको कुछ सेट बताते हैं, तो चलते हैं लेट्स गो। जो मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो ना वो तेरा मेरा साथ रहे जो टीवी पे आप लोग जो सीरियल देखते हो उसी का सेटअप है, और आपको बैक कैमरे से भी बताते हैं, काफ़ी शानदार बैंगलोर टाइप में बना हुआ है
और भी सीरियल का अभी आपको बताएंगे कौन कौन सा सीरियल है, अभी तो मुझे भी नहीं पता, तो चलते हैं आपको बताते हैं। टीवी पे आप लोग सीरियल देखते हो ना तेरा मेरा साथ रहे, तो देख सकते हो यहीं पे उनका छोटा सा बैंगलोर, और शूट भी होता है, अभी शूट भी चालू भी है, और दिखाते हैं आप लोग को। और इसका नाम है मोदी भवन, देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है। तेरा मेरा साथ रहे जो सीरियल जो आप लोग जो देखते होंगे उसके ही सेटअप है, और घर उनका कुछ तो इस तरह है। और भी दिखाते हैं, तुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल, यहाँ से आगे अभी जाके दिखाते हैं आपको पूरा सेटअप, तो चलते बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं गुम है किसी के प्यार में जो सीरियल जो टीवी पे देखते हो उसका है ये सेटअप, और अंदर से अभी शूटिंग चालू, चलते आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे शूटिंग हो रहा है गुम है किसी के प्यार में, और यहाँ पे जो मैन रोल की हीरोइन बैठी हुई है, शूट हो रहा है। गाइस कभी कभी इत्तेफाक से जो सीरियल है उसका सेट देख सकते हो, कभी कभी इत्तेफाक से जो सीरियल आप लोग टीवी पे देता है उसका पूरा सेट है यहाँ से, और काफी अच्छा है। यहाँ पे आप गार्डन देख सकते हैं, यहाँ पे गार्डन पूरा, यहाँ पे पूरा सेट है यहाँ पे, और एंट्री गेट ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है सेट। और आप देख सकते हो बैक कैमरा से आपको बताते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से जो सीरियल देखते हो आप लोग टीवी पे तो उसका सेट है, और कुछ इस तरह आपको दिखेगा अंदर का, ये सब सेट है पूरा घर का, घर के बाहर का, और ये गार्डन का देख सकते हो आप लोग, देख सकते हैं सरस्वती सदन। तो ये पांड्या स्टोर का सेटअप है, और कुछ इस तरह आपको दिखेगा बाहर से पांड्या स्टोर। तो ये सलमान खान का बिग बॉस, देख सकते हो सेटअप इनका, और ये सेट है पूरा आपको दिखा दे रहा है। तो बिग कुछ इस तरह आपको फिल्म सिटी का पूरा नज़ारा यहाँ से बाहर दिखेगा, और कुछ लोग यहाँ पर इस तरह पे द कपिल शर्मा शो का सेट है, अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको सेट दिखेगा कपिल शर्मा का सेट। तो यहाँ पे छोटी सरदारनी का शूट हो रहा है अभी, और कुछ एक्टर लोग यहाँ पे शूट अंदर हो रहा है, देख सकते हो आप जिसे भी कैमरा सब डायरेक्टर सब एक्टर जूनियर एक्टर सब बैठे हुए हैं इधर पे भी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम लोग सेट पे गए थे बिग बॉस छोटी सरदारनी और भी बहुत सारे सेट पे गए, और बहुत ही अच्छा व्लॉग बना ये, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को सेट देखते हुए, और सीरियल भी देखे शूट होते हुए देखे, और सेटअप भी देखे, और जो भी एक्टर्स है जो भी मैन रोल में वो उसको भी देखे, और बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और छोटे क्या देख रहे हो आप लोग, लाइक कीजिए, कहाँ मास्क निकालिए थोड़ा बोलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा। आते रहते आप? हाँ। तो हमेशा? हमेशा। अच्छा इधर पे क्या करने गए थे? लोग स्कूल जाते थे। अच्छा स्कूल गए थे। हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? ओम। ओम आपका? जयश। जयश थैंक यू हमारे ब्लॉग में आने के लिए आपको, आपका यूट्यूब चैनल यस दानिश ब्लॉग्स। तो बच्चे लोग मिले बहुत, थैंक यू ब्लॉग में आने के लिए। तो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।